नमस्कार, मैं नितिन कुमार, आप देख रहे हैं NBC 24। जेडीयू कार्यालय में लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है। जेडीयू को जिस तरह से विधानसभा में सीट मिली है उसको लेकर तमाम समीक्षा की जा रही है, और जो हारे हुए प्रत्याशी है और जीते हुए प्रत्याशी है और तमाम पदाधिकारी जेडीयू के, उनके बीच बैठक चल रही है। आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक में नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जो अध्यक्ष RCP सिंह मौजूद है, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहले भी बैठक हुई है, दो दिवसीय बैठक में अहम फैसला लिया गया कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था RCP सिंह को। उसी तरह से सूत्रों से यह खबर आ रही है कि फिर से जेडीयू आज कुछ अहम फैसला लेगी। प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अहम फैसला लेगी। शाम को 4 बजे जो ललन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, इस तरह से खबर आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर जिस तरह से जेडीयू को सीट मिली है विधानसभा के चुनाव में, उसको लेकर तमाम समीक्षा की जा रही है कि आखिर क्यों जेडीयू को 43 सीट ही मिली है, इसी को लेकर समीक्षा की जा रही है। आप कर्पूरी सभागार में नीतीश कुमार आज मौजूद है और RCP सिंह भी मौजूद है, और तमाम जो हारे हुए प्रत्याशी, जीते हुए प्रत्याशी और जेडीयू के तमाम पदाधिकारी के साथ बैठक चल रही है, और बैठक में प्रयास लगाए जा रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अहम फैसला शाम के 4 बजे तक ले ली जाएगी। और जो जिस तरह से बातें आ रही है खुलकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष को बनाए जाने को लेकर, तो उस पर ही अहम फैसला आने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें NBC 24। साउथ इंडियन खाना खाने के शौकीनों के लिए एकमात्र रेस्टोरेंट चेन्नई डोसा प्लाजा, जहां आपको मिलेगा 107 किस्म का डोसा, इडली, उत्तपम समेत कई स्पेशल डिश। एक ही छत के नीचे नॉन वेज और वेज दोनों तरह के डिश का उठाए जायका। स्वाद ऐसा कि एक बार यहां खाने के बाद आप बार बार आएंगे। न्यू डाउन सिटी और चेन्नई डोसा प्लाजा, पता नोट कर लीजिए, गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स, ईस्ट बोरिंग कनाल रोड, पटना। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8693208290। NBC 24, सच की ताकत।